दोस्तों, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें रेगुलरली देखते तो हैं, लेकिन उन्होंने खूनी मंडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं, तो खूनी मंडे को अभी सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको झट से मिल जाएं। पहले पार्ट में आपने देखा कि रॉजर अपने अडॉप्टेड भाई लियम के साथ एक हॉरर गेम सारा सरिता खेलता है, जिसमें वो लोग सारा सरिता की आत्मा को बुलाते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। उसके बाद रॉजर और उसके दोस्त लियम को डराते हैं और उसको उसके रूम में लॉक कर देते हैं। लेकिन जब रॉजर अपना रूम खोलता है, तो लियम उसे वहां बेहोश मिलता है। जब रॉजर उसे उठाता है, तो लियम उसे बताता है कि सारा सरिता उसको लेने आ रही है। और उसके कुछ देर बाद ही लियम को दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अपने भाई लियम की मौत के बाद रॉजर के दोनों पेरेंट्स बहुत दुखी थे। उन्होंने रॉजर से बार बार पूछा कि उस रात लियम के साथ उसने क्या किया था, लेकिन रॉजर ने उन्हें कभी सच नहीं बताया। उसने नहीं बताया कि उसने और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उस रात सारा सरिता नाम का एक हॉरर गेम खेला था। रॉजर भी लियम की मौत से बहुत ज्यादा शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियम अचानक से कैसे मर गया। उसे डर लगने लगा था कि जो गेम वो लियम का मजाक बनाने के लिए खेल रहे थे, उस गेम की वजह से कहीं सच में सारा सरिता की आत्माएं उनकी दुनिया में तो नहीं आ गई हैं। एक रात जब रॉजर सो रहा था, तो उसे लियम की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि रात के अंधेरे में लियम शीशे के सामने खड़ा है और सारा सरिता का नाम लिया जा रहा है। जैसे ही रॉजर ने लियम के कंधे पर हाथ रखा, लियम मुड़ा और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। वो जोर से रॉजर पर चिल्लाया, तभी रॉजर ने पाया कि वो तो अपने बेड पर ही है। उसे लगा कि शायद ये उसका कोई बुरा सपना होगा, लेकिन ये सपना अब रॉजर को हर रात बार बार आने लगा था। रॉजर ने अपनी फ्रेंड एमा को अपने सपनों के बारे में बताया और उसने एमा से ये भी कहा कि लियम मरने से पहले उससे कह रहा था कि उसे सारा सरिता दिख रही है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तब उसकी फ्रेंड एमा ने रॉजर को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रॉजर के होश उड़ गए। एमा ने घबराते हुए कहा कि उसे भी उस रात के बाद बार बार दो अजीब सी दिखने वाली लड़कियां दिख रही हैं। एमा ने रॉजर से ये भी कहा कि उन्हें सारा सरिता हॉरर गेम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था। रॉजर ने जब इसका मतलब पूछा, तो एमा ने उसे सारा सरिता की पूरी कहानी बताई। सारा और सरिता ट्विन सिस्टर्स थी और मेक्सिको के एक स्कूल में पढ़ती थी। वो करीब 15-16 साल की थी और दोनों गले में एक चेन पहनती थी। दोनों की चेन में एक मैचिंग कॉइन था। कहते हैं कि एक बार वो स्कूल के किसी फंक्शन के लिए स्कूल में देर तक रुकी हुई थी। सारा बाथरूम में कपड़े बदलने गई थी, तो स्कूल का पियन उसके पीछे पीछे गर्ल्स बाथरूम में घुस गया। जोर जबरदस्ती करते हुए उस पियन ने सारा का गला घोटकर उसे मार डाला। इतने में सरिता अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां पहुंची, तो उसने देखा कि सारा। दोस्तों, हमारे क्राइम चैनल द क्राइम शो की नई स्टोरी में देखिए कि कैसे मुंबई के एक रेलवे स्टेशन में हो रहे थे मिस्टीरियसली मर्डर्स। डेड बॉडी के साथ मिलता था तो बस एक बियर का कैन। इन मिस्टीरियस मर्डर्स के पीछे क्या कोई साइको सीरियल किलर था? जानने के लिए देखिए द बियर मैन, हमारी नई क्राइम स्टोरी, ओनली ऑन द क्राइम शो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में। मरी पड़ी है और वो पियन उसकी बॉडी के पास खड़ा है। सारा को देखते ही उस पियन ने भी सरिता को पकड़ लिया और उसे भी मार डाला और वो वहां से भाग गया। जब स्कूल वालों को गर्ल्स वॉशरूम में सारा सरिता की बॉडीज मिली, तो उनकी रूह कांप गई। उनकी बॉडी के पास उन दोनों की चेन्स भी मिली। एक चेन के कॉइन पर हेड था और एक चेन के कॉइन पर टेल्स। तब से लोग कहने लगे कि उनकी आत्मा उन कॉइन में जा बसी है और जब भी कोई कॉइन्स की हेल्प से उन्हें बुलाना चाहेगा, तब तब वो कॉइन्स के थ्रू ही आएंगी और उनसे बात करेंगी। पर ये गेम अगर एक बार शुरू हो गया,
तो ये तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक सारा और सरिता आपको इसे छोड़ने की परमिशन ना दें। एमा ने जब ये बात रॉजर को बताई तो रॉजर ने एमा से कहा कि एक बार फिर उन्हें सारा सरिता को बुलाना चाहिए और इस बार उन्हें उनसे गेम खत्म करने की परमिशन लेनी चाहिए। एमा और रॉजर रॉजर के कमरे में सारा सरिता को एक बार फिर से बुलाने लगे। सारा सरिता, क्या हम तुम्हारा गेम खेल सकते हैं? ये बोलकर दोनों ने अपने हाथ में लिए कॉइन उछाले। दोनों कॉइन्स पर हेड्स आया जिसका मतलब था यस। उन्होंने सारा सरिता से अगला सवाल पूछा, क्या तुम्हारा मर्डर हुआ था? और फिर से कॉइन्स उछाले। इस बार भी दोनों कॉइन्स पर हेड्स आया। इसके बाद रॉजर ने पूछा, क्या लियम को भी तुम दोनों ने मारा है? और फिर से उन दोनों ने कॉइन्स उछाले। इस बार जब कॉइन्स गिरे तो दोनों कॉइन्स पर टेल्स आया जिसका मतलब था नो। लेकिन फिर अचानक रॉजर के कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उन दोनों को ऐसा लगने लगा कि जैसे दो लड़कियां उन दोनों पर हंस रही हों। वो कॉइन्स जो जमीन पर पड़े थे वो अपने आप हवा में उठे और घूम कर हेड्स पर आ गिरे। अचानक लाइट्स की फ्लिकरिंग भी हो गई और वो हंसी की आवाज भी रुक गई। मतलब साफ था, सारा सरिता लियम को मारने वाली बात पर यस कह रहे थे। अचानक से एमा की तबीयत खराब होने लगी थी। उसने रॉजर को गेम एंड करने के लिए कहा तो रॉजर ने पूछा कि क्या हम तुम्हारा गेम छोड़ सकते हैं? और फिर से दोनों ने कॉइन्स उछाले लेकिन दोनों कॉइन्स पर टेल्स आए। उन्होंने फिर से वो सवाल किया और फिर से कॉइन्स उछाले लेकिन बार बार दोनों कॉइन्स पर टेल्स आ रहा था जिसका मतलब साफ था, सारा सरिता नहीं चाहती थी कि वो दोनों ये गेम छोड़ें। तभी अचानक फिर से कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एमा को शीशे में सारा सरिता दिखने लगी और वो उल्टी क्रॉल करके एमा के पास ही आ रहे थे। एमा ने जैसे ही ये बात रॉजर को बताई, एमा को वैसे ही दौरे पड़ने लगे जैसे लियम को मारने से पहले पड़ रहे। उसकी आंखें भी काली पड़ने लगी थी। रॉजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने गुस्से से पूछा, सारा सरिता तुम्हें क्या चाहिए? तभी एमा की आंखों से खून निकलने लगा और शीशे पर खून से एक वर्ड अपने आप बनने लगा, DEATH, डेथ, यानी मौत। रॉजर सारा सरिता से माफी मांगने लगा और रिक्वेस्ट करने लगा कि वो एमा को छोड़ दे। अचानक फ्लिकरिंग बंद हो गई और एमा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। कुछ ही देर में एमा को होश आ गया लेकिन अब दिन ब दिन एमा की तबीयत खराब होती जा रही थी। रॉजर अब हर दिन घर पे बैठा बैठा एक सवाल पूछता हुआ बस वो कॉइन्स उछालता रहता, सारा सरिता क्या मैं तुम्हारा गेम छोड़ सकता हूँ? एक दिन दोनों कॉइन्स पर हेड्स आ ही गया जिसका मतलब था यस। रॉजर उस दिन बहुत खुश था। वो ये बात सबसे पहले एमा को बताना चाहता था लेकिन उसी दिन रॉजर को पता चला कि एमा की डेड बॉडी स्कूल वॉशरूम से मिली है और उसके पास से दो कॉइन्स मिले हैं जिन दोनों पर टेल्स था। दोस्तों, जब तक आप अगले हफ्ते की स्टोरी का वेट कर रहे हो तब तक एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और देखो हमारी क्राइम स्टोरी द बियर मैन ओनली ऑन द क्राइम शो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।